कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे की तरफ पर करने लेके आई आपके रेट से बहुत ही धमाकेदार वीडियो हमेशा की तरह। सो गाइज अभी मैं आई बॉम्बे और जो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, क्योंकि मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए ना सीरियसली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आपके प्रोफाइल भी चल रहा होगा, जल्दी जाओ डीएम कर दो और बता दो को मैं एक मीटअप प्लान भी करूँगी जल्दी। तो अभी तो क्या है कि बाकी हम पर्सनल चीज़ें इंस्टाग्राम पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब सामने एक लड़की बैठी है, मैं आई हूँ यहाँ पे बॉम्बे और एक लड़की है रेड ड्रेस में, ज़रा घुमा के दिखा दो यार कैमरा। तो एक काम करते हैं, लड़की पे ना बहुत ही महावारी प्रैंक करने की सोचा है मैंने, देखो यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं कैसा नहीं। बाकी अभी मैं लड़की से बहुत ही दूर हूँ, चलते हैं लड़की की तरफ और देखते हैं वीडियो की रिएक्शन कैसे होने लगे, तो वीडियो में चल कर ही पता चलेगा। तो करते हैं शुरुआत। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, रेड ड्रेस काफी अच्छी लग रही है तुम पे वैसे। हाय हाय, आंख क्यों बंद कर रखी है, खुली आंखों से सपने ले रही हो क्या, छोटे छोटे या बड़े बड़े? कैसे हो? हाय, हाथ तो मिला लो यार, क्या हो गया यार, तुम जाओ ना, कौन हो तुम? मेरा नाम ब्रिट्स है, तुम्हारा नाम? मैं तुम्हें यार मैं तुम्हें जानती नहीं, इसलिए तो तुम्हें तुमसे जान पहचान बनाने आई हूँ। तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो ना रेड ड्रेस में, बहुत प्यारी लग रही हो। अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ, तुम जाओ ना बस यहाँ से। हुआ क्या, रो क्यों रही हो, बता दो। प्लीज़ मुझे अकेला रहने दो प्लीज़। ठीक है सॉरी अगर बुरा लगा हो मेरी किसी बात का, अवल तो मैंने ऐसी कोई चीज़ बोली नहीं है जो आपको बुरी लगे और मैंने आपको रुला दिया हो, क्योंकि मैं लोगों को हंसाती हूँ रुलाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या हुआ है, मेरे को शेयर कर सकते हो? आपका नाम बता दो मुझे। कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया बताओ यार, डोंट वरी, हुआ क्या बताओ, इतना क्यों रो रही हो, वो हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया, ब्रेकअप हुआ, मम्मी पापा से लड़ाई हुई, कहाँ से हो आप? यार ब्रेकअप होता ना तो चल जाता। तो क्या हुआ है मेरे को बताओ प्लीज़, रो मत यार, पता रोने से ना समाधान नहीं होता चीज़ों का, अगर आप मुझे बताओगे तो हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। आजकल की लड़कियाँ ऐसे क्यों होते हैं? ब्रेकअप हो गया आपका, चीट किया? चीट किया, कैसे चीट किया, क्या हो गया बताओ? मैं उसके साथ 3 साल से रिलेशन में थी और जब शादी करने की बारी आई तो आज वो मुझे एट द टाइम पे कॉल करके बोल रहा है कि हम शादी नहीं कर सकते। पर रीज़न? वही कि कास्ट सेम नहीं है, फैमिली एग्री नहीं हो रही है। यार जब प्यार कर रहे थे तब सही था, बट अभी नहीं एग्री हो रही है, क्या बात है? कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप को? 3 ईयर। 3 ईयर से तुम लोग साथ में थे, आप प्रॉपर कहाँ से हो? दिल्ली। आप प्रॉपर दिल्ली से हो और अभी बॉम्बे कितना टाइम हो गया आपको? 4 मंथ। 4 मंथ्स, तो आप उसके साथ में ही रह रहे थे और रिलेशन 3 साल से चल रहा है, तो उसने मतलब पक्का ही ऐसी बातें बोली थी कि वो शादी करेगा सीरियस आपके लिए? हाँ लिविंग में थे हम लोग, पहले जॉब करते थे साथ में दिल्ली में, वहीं हमारी मुलाकात हुई थी और मैंने उस बंदे के लिए हर एक चीज़ किया जो करना चाहिए था। उसकी फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती थी, मुझे नहीं पता उसकी फैमिली सपोर्ट करती थी कि नहीं करती थी, बट उसने मुझसे ऐसा बोला था कि मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करती फिर भी मैं तेरे साथ रहूँगा, हर एक चीज़, कस्में, वादे नॉर्मली होते रहते हैं हर एक कपल के बीच में। मैंने उसके लिए हर एक चीज़ किया, एक होते हैं ना हस्बैंड लाइक हस्बैंड वाइफ के जैसे, मैं उसके साथ रही, उसके हर एक सुख दुख में मैंने उसको साथ दिया। डोंट वरी, डोंट ट्राई यार, और प्लीज मत रो यार, आगे बताओ। आज मुझे छोड़ के चला गया। मैं सुन रही हूँ आपकी बात ना यार, आप अकेले नहीं हो, छोड़ा क्यों आप, उसने कुछ नहीं, बस वही कि एक्चुअली मैं उतने रिच फैमिली से नहीं हूँ, मम्मी है पापा हैं, बस मैं हूँ, पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर है, मम्मी हाउस वाइफ है, हमारी फैमिली बस इतना ही तक है, फिर भी वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैंने बताया, घर वालों को भी बता दिया मैंने कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं शादी करूँगी, घर वाले भी एग्री हो गए, और इसने बोला मुझसे कि मैंने अपने घर वालों को बोला है हर एक चीज़ तुम्हारे बारे में, लेकिन आज तक इसके घर वाले मुझे जानते भी नहीं है, उसने बताया ही नहीं है ये सारी चीज़ें, और मेरे साथ वो लिविंग में रह रहा था, कुछ भी नहीं बताया कि मतलब को वो सीरियस है। उसने एक्चुअली बात तो करवाई अपनी फैमिली से, बट वो उसकी फैमिली नहीं थी, किसी और की फैमिली से। ओह शिट, मतलब किसी और की फैमिली से मिलवा दिया, किसी और की फैमिली से मिलवा, शो ऑफ के चक्कर में। मैंने उसके लिए हर एक चीज़ किया, उसको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैंने उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, मतलब लेकिन क्या मतलब कुछ पैसे वैसे भी दे रखे थे? पैसे भी दिए थे उसको,
पैसा तो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन उसने जो मुझे धोखा दिया, जो चीट किया, वो उससे नहीं करना चाहिए था। और आज मैं फैमिली को क्या बोलूँ अपने? तुम कुछ और है जो तो आप बताना चाहते हो, या आपने मेरे को सब बता दिया? मत रो यार, बता के मेरी बात सुनो, मत रो यार, डोंट वरी यार, सुनो हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैं साथ दूंगी ना तुम्हारा, तुम अकेले नहीं हो यार, मत रो। देखी थी प्यारी सी गुड़िया रो रही, अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। और तुम तो इतनी स्ट्रांग हो यार, दिल्ली से और बॉम्बे में आके जॉब कर रही थी, अकेले सर्वाइव कर रही थी, और तुम उसको सपोर्ट भी कर रही थी इवन लड़की होके, जबकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी इतना वीक है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। तो सोचो ना यार, तुम कितनी स्ट्रांग गर्ल हो। नहीं यार, मैं अकेली रहती ना तो सर्वाइव कर लेती, बट अभी तो मैं अकेली नहीं हूँ ना। अकेले नहीं हो तो मतलब क्या हुआ है मेरे को बताओ ना, आप मेरे को बता सकते हो। देखो मेरे को पता है मैं आपके लिए अननोन हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी से अपनी बातें शेयर करते हो ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही मन हल्का होता है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि क्या हुआ है? मैं भी एक लड़की हूँ, समझूंगी जरूर। I'm pregnant. तुम प्रेग्नेंट हो सच में? और मत रो यार, मत रो। इसीलिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मत रो यार, तुम अकेले नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना। नहीं, मिलकर सॉल्यूशन कर लेंगे ना। देखो मैं इंसानियत के नाते मैं आपका साथ दे सकती हूँ। उसने बोल रहा है कि उसने शादी फिक्स कर ली है खुद की। कितना टाइम हो गया बेबी को? 3 months यार, अभी तो कुछ हो भी नहीं सकता है ना। कैसे ऐसे बोल सकता है? मत रो यार, प्लीज डोंट कर। उसको बताया कि मैं pregnant तुमने हूं। तुमने एक बार कोशिश करी अपने पेरेंट्स को बताने की कि मतलब मैं अपनी फैमिली को डिस्कस करूँ ये चीज़ें सब? बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था हर एक सिचुएशन में, उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैंने बताया कि बॉयफ्रेंड है, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, ब्लड ठीक है, जो तुम कर रही हो सही है, बट अच्छे से करना, सारे रिश्तों को अच्छे से देखना। बट अभी मैं उनको क्या बोलूं? मैंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। ऐसे ही होता है, देखो यार, पता है कभी कभी ना लड़कियां गलती कर बैठती है तो और माँ बाप ना बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं, उनका रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन की तरफ भाग सकते हैं, ये थोड़ा कि यार आपके पेरेंट्स से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप एंड हो गया। माँ बाप जो ऐसे लोग हैं ना यार, जो हमारी ज़िंदगी में ना परमानेंट है, और ये लड़के हैं ना, आपको पता है कि आज के टाइम में लड़के कैसे होते हैं। मैं सारे लड़कों की भी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की की ना ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे सच में वो कितना घटिया और नामर्द लड़का निकला, मेरे को तो नामर्द इंसान है वो, जो अपने बच्चे को छोड़ के वो चला गया और कह रहा है कहीं और शादी करूँ कर रहा हूँ मैं, कि मतलब यार 3 साल से तू लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तब तुझे ये सब नहीं दिख रहा कि जात पात कोई चीज़ है, कास्ट कोई चीज़ है? और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जब इतना सब हो गया, शादी की बातें आई, इतना ज़्यादा टाइम हो गया रिलेशनशिप को, तब तुम ये बोल रहे हो कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और ऊपर से झूठे पेरेंट्स सिखा के तुम लोग लड़की को मिलवा रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए यार, उसमें तो इंसानियत ही नहीं है फिर, बिल्कुल भी नहीं है। और तुम ऐसे लड़के के लिए रो रही हो यार, मेरे को पता है, देखो बुरा लगता है आप प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, प्यार में हो जाता है, गलतियाँ होती है यार, सबसे होती है, कोई बात नहीं। तुम ये मत सोचो कि दुनिया में सिर्फ तुमसे ऐसी गलती हुई है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती है लड़कों पे, और हो जाती है ऐसी गलतियाँ, क्योंकि वो प्यार करती है तभी तो होती है ना। बट अभी इसका सोल्यूशन ये है कि मैं सीरियसली तुम्हें बताऊँ, ठीक है, इंसानियत के नाते तुम अपने पेरेंट्स को बताओ ये चीज़। कितने दिन नाराज़ हो गए तुमसे, तुम्हारा साथ फिर भी नहीं छोड़ेगा यार, फिर भी हूँ। पेरेंट्स तुम डरो मत, देखो तुम कहाँ रहती हो अभी? इज्जत तो चली गई ना। इज्जत चली गई, इज्जत तब जाएगी ना जब किसी और को पता चलेगी ये चीज़ें, किसी बाहर वाले लोगों को पता चलेगी, तब होता है ना यार। अपने पेरेंट्स को बता रही हो, तुम्हारे अपने जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, भरोसा करके तुम्हें बॉम्बे भेजा जॉब करने के लिए। बट आज नहीं तो कल तो उन्हें सबको पता चल जाएगा ना, सबको पता है। मेरी बात सुनो, एक कोई अच्छा लड़का देख के तो शादी कर सकते हैं ना पेरेंट्स, ये माँ बाप है ना जो यार भगवान का रूप है, पता है ना आपको, और वो कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए अच्छा ही करेंगे। हो सकता है वो जल्दी जल्दी कब तक तुम्हारी किस्मत ऐसी चमक जाए, वो कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर दे, जो लड़का अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को, समझ रहे हो? पक्का मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं देखो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं ऊपर वाले की दया से ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई, लेकिन ना मैं आपके दर्द को ना फील कर पा रही हूँ। मुझे बस इतना पता है कि आपके पेरेंट्स हैं ना, वो आपको ना सही गाइड कर सकते हो, आप सही गाइड करेंगे, सही बता सकते हैं कि आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप रो मत, आप कहाँ रहते हो बॉम्बे में ये बताओ, रहते हो तो एक काम करते हैं, और आपके मम्मी पापा? वो लोग दिल्ली में रहते। वो दिल्ली में, तो एक काम करते हैं, आप ना मेरे साथ में रुको,
मैंने भी अभी नया नया फ्लैट किया यहाँ पे, आज अपने पेरेंट्स को कॉल करके सुबह आप यहाँ बुलाऊँ, ठीक है? अदरवाइज मैं आपके साथ दिल्ली चलती हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ आपके पेरेंट्स के पास, उनको समझाते हैं थोड़ा मिलके कि क्या सोल्यूशन करना है क्या नहीं करना, कहीं ना कहीं तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। और भगवान यार, अगर एक दरवाज़ा बंद कर रहा है ना तुम्हारे लिए, तो अनेक खोल देता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा हुआ है, होता है, ऐसे मत रहो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर लेंगे हम लोग यार। और देखो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, जब तक तुम इस चीज़ से निकलोगी नन्ना बार, मैं तब तक तुम्हारे साथ में, जब तक नहीं निकलोगी। डोंट वरी, डोंट क्राई प्लीज, स्ट्रॉन्ग हो तुम यार, अकेले यार, मतलब लड़की एक सपने लेके अब बॉम्बे आ रही है, जॉब कर रही है, अकेले रह रही है, फैमिली को भी देख रही है, साथ साथ हर चीज़ कर रही है, तो प्यार में ऐसी गलतियाँ हो जाती है, सिर्फ आपसे नहीं, हो जाती है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का। और वो सॉल्यूशन हमारे टेम्परेरी लोग नहीं दे पाते हैं ज़िंदगी में, परमानेंट लोग दे सकते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा। बट मेरा जो कैरियर है, कैरियर कुछ स्पॉइल नहीं हुआ है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी पापा से बात करेंगे, बोल देंगे गलती हो गई, और वो अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। कितने दिन नाराज़ हो जाएंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, तुम्हें इस हालात में थोड़ा छोड़ देंगे वो लोग। कभी अपने बच्चों के लिए बुरे नहीं होते यार माँ बाप, नहीं पता है ना तुम्हें कितना प्यार करते हैं तुमसे, तभी तो भरोसा करके यहाँ भेजा था, राइट? तो मेरी बात सुनो, अब आपके साथ चलो आपको ड्रॉप करने, पक्का? हाँ। रोगे तो नहीं ना, स्ट्रॉन्ग बनोगे ना यार, मिसाल कायम करो यार। ऐसी लड़कियां भी होती है इंडिपेंडेंट, जो खुद के पाँव पे खड़ी होती है, पैसा कमाती है, खुद अकेले रहती है बाहर, और फैमिली को भी पैसे देती है घर चलाने के लिए। तुम उनमें से एक हो जिसने अपने बंदे को भी संभाल लिया, ना मर्द इंसान को जो छोड़ के चला गया सिचुएशन में। शर्म, लानत ऐसे लड़कों पे, सीरियसली लानत, जो ऐसी हरकतें करने के बाद। तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली मैं ना यूट्यूबर हूँ, और मैं ना प्रैंक्स, मेरा प्रैंक का चैनल है, और मैं ना प्रैंक शूट करती हूँ। बट मैं ना आप पे मजाक करने आई थी, एक छोटा सा मजाक आपके साथ, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि आप रो रहे थे, इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, और मैंने सामने कैमरा लगा रखा है, वो देखो सामने। सॉरी, मैंने आप पे गुस्सा। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आप मेरे को सॉरी मत बोलो, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई चीज़ हर्ट हुई हो यार, क्योंकि लड़की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आप देख सकते हो। मैं क्या ये वीडियो अपलोड कर सकती हूँ आपका फेस ब्लर करके? बहुत सारी लड़कियों को ना एक मैसेज मिलेगा कि यार, ऐसे भी कुछ लड़के होते हैं जिसे तुम्हें ना अलर्ट रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़िंदगी का ना, ज़िंदगी ख़राब करके चले जाते हैं आप लोगों की, ठीक है? सब कुछ कर लेते हैं, बड़े बड़े झूठे वादे सब करके दिखा देते हैं, उसके बाद जब लड़की को ज़रूरत होती है ना इस सिचुएशन में, तो लड़के साथ छोड़ के जाते हैं। वो लड़का देख रहा होगा ना, अगर आज कहीं ना कहीं पक्का देख रहा होगा, ठीक है? मैं चाहती हूँ ऊपर वाले से दुआ है मेरी, ये वीडियो इतनी वायरल हो ना, वो लड़का देखे, उस लड़के तक ये वीडियो पहुँचे, और पता चले कि तुझसे घटिया इंसान ना इस दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा है, जो एक लड़की को ना इस हालात में छोड़ के चला गया और बोल रहा है शादी कर ले। देख तो तू रहा ही होगा कहीं ना कहीं, तो लानत है तुझ पे, तू लड़कों में नहीं आता है, मैं तुझे इतना क्लियर करूँ, तू लड़कों में नहीं आता है। जो लड़की के साथ तू ऐसा करके गया ना, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है? जब जिससे शादी कर रहा है ना, कर ले, क्योंकि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, आज नहीं कल तो हालात ठीक हो ही जाएंगे, उसकी चिंता मत कर तू। कितने दिन ऐसे हालात रहेंगे, पेरेंट्स को मना लेगे, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा मामला, लेकिन जो तू इसके साथ करके गया ना, तेरे साथ ज़रूर आगे आएगी। और मैं तेरे को बद्दुआ दे रही हूँ कि तूने ऐसा किया ना उसके साथ, जो आज वो दर्द फील कर रही है ना, तू जिंदगी भर वही दर्द में ना जिए, तड़पे ऐसे ही, और तुझे सच्चा प्यार ना कहीं नसीब ना, समझा? उस लड़के के लिए था एक थोड़ा, क्योंकि ना दिमाग थोड़ा ना डिस्टर्ब हो गया यार इसकी सिचुएशन देख के। आपका नाम भी नहीं पूछा मैंने आपसे, डोंट ट्राई, मत रो। अदिति, मेरे ना 2 मिलियन प्लस फैमिली मेम्बर्स है यहाँ पे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और मैं प्लीज़ परमिशन चाहती हूँ कि आपसे कि ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है लड़की को ये मैसेज देना, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बढ़ रही है यार, समझ रहे हो? तो क्या मैं अपलोड कर दूँ वीडियो? हाँ। पक्का आपका फेस ब्लर करके? हाँ। पक्का? और मैं भी आपके साथ, तो आपके साथ चल रहे हो ड्रॉप करना, आपके कोई रूममेट आपके साथ हो? हाँ। उसको आपने शेयर तो नहीं किया ना? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, मैं हूँ, और मैं अभी 10 दिन यहाँ पे हूँ, तो हम लोग कुछ करते हैं इसका सोल्यूशन। और चलो, मैं बाकी ऑफ कैमरा बात करती हूँ इनसे, ठीक है? आप आओ, मैं आपको ड्रॉप करके आती हूँ, यहाँ बैठ के रोना नहीं है, ठीक है? चलो,